ओके स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो है ट्रेकियल सिस्टम कर लिया था. हम कर रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लास 10+1. आज हम पढ़ेंगे गिल्स के बारे में. हम अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्किन पढ़ लिया. स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. फिर हमने जो है रेस्पिरेशन के लिए पढ़ा कि ट्रेकिया भी यूज हो सकती है, दैट इज ट्रेकियल सिस्टम. ठीक है, और हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था, राइट? तो आज हम पढ़ेंगे गिल्स के बारे में. सबने सुना है फिशेस के अंदर गिल्स होते हैं. लोअर क्लासेस के अंदर आप पढ़ते आ रहे हो कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स के पास लंग्स होते हैं, ऐसे ही फिशेस के पास फॉर ब्रीथिंग, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, गिल्स. तो गिल्स कैसे होते हैं, किस किस के अंदर होते हैं, हमने पढ़ा फिशेस के अंदर और एक टैडपोल के अंदर. टैडपोल क्या है? इट इज द लार्वा ऑफ फ्रॉग. अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि फ्रॉग जब एडल्ट बन जाता है तो वो गिल्स से या लंग्स से अपने वो करेगा. अलग अलग टाइप के फ्रॉग्स हैं, लेकिन अगर वो लार्वा स्टेज में होगा तो वो अपनी जो है एक्सचेंज कैसे करेगा. लार्वा स्टेज में उसमें गिल्स होते हैं और एडल्ट स्टेज में स्किन एंड लंग्स. इस तरह से वो अपनी ब्रीथिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है. कैसे देखते हैं गिल्स, किस तरह से फिशेज जो है वो रिस्पायर करती हैं, हम देखते हैं. देखो, आपने कभी भी अगर देखा हो फिशेज को, तो ध्यान दिया हो अगर, तो आप देखेंगे कि जो फिशेज हैं वो बार बार अपना मुंह जो है वो खोलती हैं, बंद करती हैं. होता है ना ऐसा, जैसे नोटिस किया है बोर्ड पे, मेरे से अच्छा डायग्राम बनता है, डिफरेंट है. लाइक दिस, लुक एट मी, ऐसे ऐसे फिशेस. अगर आप वीडियो भी देखोगे ना फिश की, हमेशा ऐसे दिखाएंगे, लाइक दिस, मुंह खोल रही है, बंद कर रही है, खोल रही है, बंद कर रही है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिशेस ने जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करनी है, जो ब्रीथिंग करनी है, वो किससे करनी है, वाटर के थ्रू. वाटर में ही रहना है उसने, तो वाटर से ही सारा कुछ लेगी, फूड भी और गैसेस भी वाटर में ही, सारे वेस्ट जो है वो भी डिस्चार्ज करेगी. तो इसलिए फिशेस जो है वो अपना मुंह खोलती है, बंद करती है, खोलती है, बंद करती है. तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी वाटर है और उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो माउथ के अंदर जाती है फिश के. माउथ से कहां जाती है? उसकी बकल कैविटी में. बकल कैविटी से फेरिंग्स, जैसे हमारा गला है फेरिंग्स, ऐसे ही फिशेस का भी है. और फेरिंग्स के थ्रू अब ये कहां जाएगी? फेरिंग्स के थ्रू ये एंटर होती है इनटू द गिल्स. ये इस तरह से गिल्स लगे हुए होते हैं और दीज आर द गिल्स. और दो गिल्स के बीच में जो जगह होती है उसे हम बोलते हैं गिल स्लिट. स्लिट क्या होती है? एक लंबी सी रास्ता. तो ये बीच में एक खाली सा लंबा सा रास्ता बन रहा है, दिस इज गिल स्लिट. तो अगर हम इस एक गिल को अगर हम खोल कर देखें तो ये कैसा दिखेगा हमें? आई एम शोइंग यू कि ये एक गिल जो है कैसा दिखेगा. इट विल लुक लाइक दिस. ठीक है, और ये जो बड़ा सारा एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं ब्रैकियल आर्च. इस ब्रैकियल आर्च के अंदर लगी हुई होती है ब्लड वेसल्स. ये क्या है? ब्लड वेसल्स. देखो, इसमें भी यही हिसाब है. जैसे मैंने आपको बोला था कि ह्यूमन बींग्स के एल्वोलाई के ऊपर ब्लड वेसल्स लगी हुई होती है. अब फिशेस ने गिल्स के थ्रू करनी है अपनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इसके ऊपर ब्लड वेसल्स लगी हुई होगी. अब ये जो ब्रैकियल आर्च है ना, इसके साथ लीफ लाइक छोटे छोटे जैसे लीव्स होते हैं ना, इस तरह के, इस तरह से हॉरिजॉन्टली अरेंज. ये वर्टिकल प्लेट है और हॉरिजॉन्टली इस तरह से लगे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गिल लैमिले. लैमिला मीन्स फ्लैट स्ट्रक्चर. कोई भी चीज जो चपटी सी है और एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक की गई है, जैसे आप एक के ऊपर एक ऐसे बुक्स रख दें,
तो ये क्या बन गए, इसका लैमेला बन गए, फ्लैट स्ट्रक्चर और एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया हुआ है। ये जो गिल लैमेला है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, गिल लैमेला के ऊपर इस तरह से एक प्लेट होती है जिसे हम बोलते हैं गिल प्लेट। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये प्रोटेक्टेड होती है बाय गिल। तो इस तरह के ये गिल्स होते हैं। अब होता क्या है, जो एयर है ये एयर यहां से एंटर की, कहां गई, माउथ, माउथ से ब्यूकल कैविटी, ब्यूकल कैविटी से फेरिंग्स के अंदर, और फेरिंग्स के अंदर ये से एयर जो है ये कहां जाती है, गिल्स के अंदर। अब गिल्स के अंदर ये देखो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए क्या लगे हुए हैं, गिल लैमेला। अब ये इन सब में से होकर आती है और जो गैसेस चाहिए होती हैं फिशेस को वो ब्लड के अंदर यहां से मिक्स हो जाती है, इधर से होती हुई ब्लड के अंदर मिक्स हो गई। जो चीज वेस्ट है वो ब्लड में से इसी लैमेला में आती है और फिर कहां से बाहर निकलती है, इन गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है और इस कवरिंग के थ्रू ये एयर जो है वो बाहर चली जाती है। ये कवरिंग क्या कहलाती है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं अपर क्लम। गिल्स के ऊपर की कवरिंग दैट इज अपर क्लम। तो ये अपर क्लम के थ्रू बाहर चली जाती है। इस तरह से फिशेस के अंदर जो है ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो चलता है। लेकिन अगर हम वाटर और एयर की ब्रीथिंग को कंपेयर करें, हम एयर से थ्रू ब्रीथ करते हैं और जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो वाटर के थ्रू ब्रीथ करते हैं। दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। देखो जो वाटर के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं उनकी अपनी परेशानियां हैं, जो एयर के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं उनकी अपनी परेशानियां हैं। लेकिन जो एयर के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, उनको अपना ये गैसेस एक्सचेंज करना थोड़ा सा ईजी रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में एयर के अंदर 40 टाइम्स मोर ऑक्सीजन होती है। अब अगर एयर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसका मतलब कि हम ज्यादा ऑक्सीजन आसानी से इनहेल कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर। तो यहां पर इनको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, हमें थोड़ी सी कम मेहनत से भी हम ज्यादा जो है ऑक्सीजन जो है वो अपने अंदर ले सकते हैं। फिशेस की जो सर्कुलेशन है उसके बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी जो सर्कुलेशन है उसमें ऑपरेट करता है काउंटर फ्लो। काउंटर क्या मतलब होता है, मतलब कि एक चीज अगर मान लो दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड, अगर एक चीज लेफ्ट से राइट जा रही है तो दूसरी चीज राइट टू लेफ्ट कर रही है, मतलब ऑपोजिट जाना। अगर कोई इधर जा रहा है तो दूसरा इधर से यूं वापस आ रहा है, तो दिस इज नोन एज काउंटर फ्लो। एक दूसरे के ऑपोजिट फ्लो को हम बोलते हैं काउंटर फ्लो। तो इनके अंदर क्या हो रहा है, काउंटर फ्लो हो रहा है, मतलब अगर इनके अंदर वाटर की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, दिस टू दिस, तो यहां पर जो इनका ब्लड है उसकी सर्कुलेशन क्या होगी, ऑपोजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऐसा क्यों है, ताकि गैसेस जो एक्सचेंज है वो अच्छे से हो सके। वाटर जो है वो इधर से अंदर की ओर गैसेस को लेकर आ रहा है और यहां से ब्लड जो है पूरी बॉडी को उन गैसेस को पहुंचा रहा है। तो ये दोनों काम लगातार जो है चलते रहते हैं, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। दिस इज नोन एज काउंटर फ्लो ऑफ वाटर इन फिशेस। तो अब फाइनली हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, ह्यूमन बींग्स के बारे में, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेसिकली क्या है, दैट इज लंग्स। लंग्स एक्चुअली क्या है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो लंग्स हैं वो हैं एक तरह से स्पॉन्ज के बने हुए सैक्स। जैसे स्पॉन्ज होती है ना, बिल्कुल वैसे ही स्पॉन्जी से स्ट्रक्चर होते हैं, थैलियां होती हैं, सैक्स यानी कि थैली होती है, जिसे हम बोलते हैं लंग्स। काम क्या है इनका, ऑफकोर्स रेस्पिरेशन इनका काम है। जितने भी हायर एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, जिनके पास वर्टिकल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उन सबके अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन है उसके लिए भी एक पर्टिकुलर नाम है, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ भी लंग्स से रिलेटेड होगा तो क्या होगा, पल्मोनरी, क्योंकि लंग्स का नाम क्या है, पल्मोनेल। पल्मोनेल का कुछ भी हुआ तो वो क्या होगा, पल्मोनरी।
ठीक है, तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लेकिन स्पेशली अगर हम अर्थवर्म की बात करें, यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें अर्थवर्म को, अर्थवर्म पर बहुत क्वेश्चंस नीट में बहुत बार पूछे जाते हैं, हर बार अर्थवर्म पे क्वेश्चन जरूर होता ही होता है, ठीक है। तो अर्थवर्म में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, अर्थवर्म सबसे पहले जो उसकी स्किन है उसके थ्रू भी वो करता है, स्किन के ऊपर उसके बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती हैं, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये गैसेस एक्सचेंज फटाफट से ब्लड के अंदर जो भी गैस आनी है जो देनी है वो फटाफट से दे देती है। और इसके लिए इनकी स्किन जो है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है। अगर आप अर्थवर्म को पकड़ के देखें तो उसकी स्किन बड़ी स्लिपरी सी होती है, आपसे हार्ड नहीं होगी, स्लिपरी सी सॉफ्ट सी स्किन होगी। वो इसलिए है कि हमने रेस्पिरेटरी सरफेस के 4 फीचर्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इट शुड बी वास्कुलर, इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, इट शुड बी थिन, ठीक है, एंड इट शुड बी कैप्ट मॉइस्ट ऑलवेज। ये चारों फीचर्स अर्थवर्म की स्किन जो है वो पूरा करती है, इसलिए अर्थवर्म स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, अर्थवर्म्स के अंदर आरबीसीज भी नहीं होते, ठीक है। हमने पढ़ा है कि आरबीसीज का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना और बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना, लेकिन अर्थवर्म के अंदर आरबीसीज नहीं होते, ठीक है। हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन भी जो है वो प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व रहता है, ठीक है। तो इसीलिए अर्थवर्म की रेस्पिरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें क्या क्या मिलेगा, स्टार्ट करते हैं हम, चलो एक डायग्राम बनाते हैं पहले। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स क्या होती हैं, या जिनको हम एक्सटर्नल नेरिस भी बोलते हैं, नोज की ये जो दो ओपनिंग्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स से अंदर जो ये खाली जगह है दैट इज नेजल कैविटी। नोज के अंदर अगर आप देखें तो दोनों जो नॉस्ट्रल है, दोनों ओपनिंग है, वो अंदर एक खाली जगह में जा रही है, इसे हम बोलते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद अगर आप डाइजेशन का थोड़ा सा पार्ट रिकॉल करें, याद करें, तो हमने देखा था कि दो तरह के फेरिंग्स होते हैं, जो नोज की तरफ ऊपर को खुलता है दैट इज नेजोफेरिंग्स। तो एयर पहले कहां जाएगी, नेजोफेरिंग्स में, और नीचे की तरफ जो माउथ के पीछे है वो क्या है, ऑरोफेरिंग्स। तो पहले नेजोफेरिंग्स में एयर जाएगी, फिर कहां जाएगी, ऑरोफेरिंग्स में। मैं ना नंबर डाल रही हूं ताकि आपको सीक्वेंस पता चले कि एयर कहां से कहां जा रही है। उसके बाद आता है जी हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। इसी लैरिंग्स की वजह से हम बोल पाते हैं और वर्ड्स बनते हैं, म्यूजिक बनता है, हम गा पाते हैं, हम बोल पाते हैं, ऐसा कुछ बोल पाते हैं जिससे कुछ मीनिंग भी निकलता है। तो ये यहां पर इस तरह से होगा हमारा लैरिंग्स। ये इसको मार्क कर देते हैं लैरिंग्स, ठीक है। तो लैरिंग्स के अंदर जाएगी, लैरिंग्स के बाद कहां जाएगी, ट्रेकिया। ठीक है, और ट्रेकिया जो है चेस्ट में आकर जो है वो बाइफरकेट हो जाती है, मतलब अब वो एक ट्यूब नहीं रहती, वो क्या बन जाती है, वो दो ट्यूब्स बन जाती है। तो ये जो ट्यूब्स हैं ये एंटर होती है, ये एक लंग और ये दूसरी लंग, ठीक है। तो एक राइट और एक लेफ्ट लंग, ठीक है। अगर ये मैं आपको बताती हूँ, दिस इज लेफ्ट लंग, ठीक है। ट्रेकिया के बाद फिर जो मैंने आपको बोला कि ट्रेकिया जो है बाइफरकेट हो रही है, यानी कि दो ट्यूब्स में बट रही है, इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये लेफ्ट और राइट दो ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है फिर वो आगे फर्दर और ट्यूब्स में ओपन होते हैं, वो मैं आपको एक सेपरेट डायग्राम में दिखाऊंगी। तो ये मैं आपको एक बड़ी सी
लंग बनाकर दिखाती हूँ, और ये इस तरह से इसके अंदर आता है ब्रोंकाई। अब क्या हो रहा है, ये जो ब्रोंकाई है ये आगे के फर्दर जो है वो डिवाइड होगा। दिस इज ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई अंदर जाकर फिर और छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा, जिन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले आए हैं, फिर उसके बाद ये और छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएंगे, और इन छोटे ट्यूब्स को हम क्या बोलेंगे अब, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर और छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएंगे, और इन्हें अब हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्रोंकाई। ये सभी में ऐसा ही चलेगा आगे करके। टर्शियरी ब्रोंकाई अभी फिर और छोटी ट्यूब्स में बढ़ जाएंगे, और उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स फिर आगे और छोटी ट्यूब में अभी और खुलेंगे, और इनको हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलर डक्ट। और फाइनली जो ये एल्वियोलर डक्ट है ये खुलेंगी इस तरह से छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर में, फाइनली जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई सबसे मेन है लंग्स का वो पार्ट जो बैलून लाइक है, सैक लाइक है, और ये क्या है, इट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यानी कि ये वो जगह है जहां से गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है, मतलब जो ऑक्सीजन जो है जो सारी एंटर होती है वो फाइनली एल्वियोलाई के अंदर आती है, और इसी एल्वियोलाई से बॉडी के सेल्स की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एल्वियोलाई के अंदर ही पहुंचती है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो ये ट्यूब्स का चलता है वो फाइनली किसमें एंड होता है, इनटू द एल्वियोलाई, और यही एल्वियोलाई वो मेन स्ट्रक्चर है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ गई, नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में, लेकिन नोज के ऊपर वाला पार्ट नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, उसके बाद आ गया लेरिंग्स, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई। ब्रोंकाई को मैंने और बड़ा करके दिखाया, तो ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाकर दो ट्यूब्स में, पतली ट्यूब्स में टूट जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई फिर दो पतली ट्यूब्स में टूट जाती है, दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर छोटी पतली ट्यूब्स में टूट जाती है टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई और छोटी ट्यूब्स में टूट जाती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स फाइनली और छोटी डक्ट्स में खुल जाती है एल्वियोलर डक्ट्स। और एल्वियोलर डक्ट्स एक बलून लाइक छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर में खुलती है, इस तरह से एल्वियोलर डक्ट है ये, and this is alveoli. इस तरह से होता है हमारा सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसको हम वन बाय वन एक एक पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नोस्ट्रल तो हमें पता ही है, हम शुरू करेंगे फ्रॉम नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में क्या क्या होता है, कैसे होता है, नेजल कैविटी बाहर की ओर ओपन होती है इनटू नेरिस और नोस्ट्रल्स। ठीक है, और उसके बाद नेजल कैविटी जो है माउथ कैविटी के जस्ट अबव है, हमारे माउथ के ऊपर जो है नेजल कैविटी होती है। इसकी लाइनिंग क्या है, अंदर से अगर हम देखें तो नेजल कैविटी की लाइनिंग होती है एपिथीलियम से, ठीक है, और इस एपिथीलियम के ऊपर लगे हुए होते हैं हेयर। इन हेयर का काम क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब ये फिल्टर करते हैं, किसको फिल्टर करते हैं, जो भी हमने एयर इन की है उसके अंदर जो भी कुछ ऐसे जर्म्स हैं, कोई भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाना चाहिए, उनको रोकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। दूसरा काम ये क्या करती है नेजल कैविटी, ये करती है मॉइस्टनिंग। अब जो बाहर से एयर आ रही है वो ड्राई हो सकती है,
वो गर्म भी हो सकती है तो उसको एक नॉर्मल, या वो ठंडी भी हो सकती है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर तक पहुंचाना, उसको मॉइस्चर देना, ये भी किसका काम है? नेजल कैविटी का। और ऐसा नेजल कैविटी क्यों करती है? क्योंकि नेजल कैविटी का जो ये एपिथीलियम है, इसमें से निकलता है म्यूकस। म्यूकस मतलब एक चिपचिपा सब्सटेंस, और वो एयर को मॉइस्चर करता है। तीसरा जो है वो है वार्मिंग ऑफ ब्लड। अगर वार्मिंग ऑफ द एयर, अब आप मानो सर्दियों में अगर आप जब ब्रीथ इन करते हैं तो बाहर कितनी ठंडी हवा होती है, अगर इतनी ठंडी हवा, इतनी ठंडी ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर चली जाएगी तो ब्लड का भी टेम्परेचर लो हो जाएगा। और किसी भी कारण से इतने लो टेम्परेचर वाला ब्लड अगर हार्ट तक चला गया तो हार्ट की मसल फ्रीज, और एक बार वो होगी तो खत्म, फिर हम उनका कुछ नहीं कर सकते, वो तो खराब होगी बस। और इवन की जैसे अगर हम ना ब्लड लगाते हैं, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, फिर ब्लड चढ़ाया तो उसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इसमें जब भी हम वैसे जो ब्लड है उसको स्टोर कहाँ किया जाता है? स्टोर तो उसको फ्रीजर में किया जाता है, लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। ये थोड़ी है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना कि आज इसको ब्लड की जरूरत है तो ये इधर से एक सुई लगाई, ये ब्लड निकल रहा है जी, और उधर से ट्रांसफर हो रहा है। नो, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि ब्लड जो है वो पहले से ही किसी ने डोनेट करके रखा है, उसको टेस्ट किया जाता है HIV, हेपेटाइटिस बी, ब्लड ग्रुप। हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, इनकी क्या जो है कंपैटिबिलिटी, क्या जो है सिग्निफिकेंस रखती है। तो वो पहले से उसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। फिर किसी को चाहिए तो वो ब्लड जो है उसको पहुंचाया जाता है। जस्ट ए सेकंड, हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट जो है फंक्शन दैट इज वार्मिंग। बाहर मैंने आपको बोला कि अगर बहुत ठंडी हवा चल रही है या अगर आप एसी में भी बैठे हैं, बहुत लो टेम्परेचर किया हुआ है, तो उस केस में भी क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि वो ठंडी हवा अंदर चली जाए और आपके ब्लड को ठंडा कर दे, आपके हार्ट को फ्रीज कर दे। तो ऐसे ही जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है ना, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पहले से ब्लड लेके रखा जाता है,
कहाँ रखा जाता है? डीप फ्रीजिंग में, जो टेम्परेचर उसके आइडियल है उसको फ्रीजर करके रख देते हैं, और उसकी भी कुछ लिमिट होती है, 3 months to 6 months तक होता है, नहीं तो उसके बाद वो खराब हो जाता है। तो जब हम वो ठंडा जो है फ्रीजर से ब्लड लेकर आते हैं तो ऐसे में सीधा ही पेशेंट को चढ़ा देते हैं, उसको हम थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे होने के लिए रख देते हैं। अगर हम ठंडा चढ़ा देंगे तो क्या होगा, पर्सन को हार्ट अटैक हो जाएगा उसी वक्त, उसके हार्ट की सारी मसल्स फ्रीज हो जाएंगी और हार्ट अटैक खत्म। हम तो उसको बचाने के लिए ब्लड दे रहे थे और वही ब्लड ने क्या कर दिया, उसको अब मार दिया है। ठीक है, तो इसीलिए नेजल कैविटी भी हमें इस चीज से बचाना चाहती है, और बचाने के लिए नेजल कैविटी क्या कर रही है, बाहर से आने वाली ठंडी हवा को वार्म अप कर रही है, यानी कि गर्म करके दे रही है, ताकि आपका हार्ट और आपका ब्लड जो है वो नॉर्मल फंक्शन करता रहे। इसके अलावा ऑडर को डिटेक्ट करना, स्मेल भी हमें कहाँ से आती है, नोज से ही आती है, तो इसका एक काम ये भी है कि ऑडर अच्छी है, स्मेल बुरी है, फ्रेग्रेंस है, फाउल स्मेल है, ये सब चीजें हमें कौन पता करवाता है, नेजल कैविटी। ठीक है, और इसी के म्यूकस के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और फाइनली वो बूगर्स की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। बूगर्स होते हैं जो नोज से गम निकलता है, एक सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं, दैट इज नोन एज बूगर्स। तो वो हम बाहर जो है वो क्लीन अप उसको कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम। जवाब देते रहा करो ताकि मुझे पता चले सो नहीं रहे हैं बच्चे। अब जिसने यस मैम कहा है वो तो जाग रहा है, बाकी सभी सो रहे हैं आई थिंक। यस मैम बोलेंगे। गुनूर यस मैम। यस मैम। गुड। कीरा ज्योत संयम। यस मैम। मेरे बच्चे भी ऐसे क्लास लगाते हैं, बस ऐसे आई फुली ओके, वन ओपन वन क्लोज और क्लास चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे तो छोटे हैं, अभी सेवंथ में और फर्स्ट में है। आप लोग तो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को तो हर टाइम जागना है, ये तो आदत होनी चाहिए ना। अगर डॉक्टर बनना है तो नींद वूंद तो छोड़ दो तुम अपनी, रात को भी उठकर ऐसे लगना चाहिए कि अभी फ्रेश ही आए हो। मेरी जब नाइट ड्यूटीज होती थी ना तो उस टाइम पर मैं जब उठ के जाती थी मेरे को सभी कहते थे, और मैं ऐसे थी सोते हो ऐसा नहीं लगता मेरे फेस से कि मैं सो के उठ के आई, आदत बन गई है, हैबिट बना ली है। तब रात रात को इतनी बार, कई बार तो पूरी रात आराम से निकल जाते थे, नहीं तो कितनी कितनी बार उठना पड़ता था एमरजेंसी के लिए। ठीक है, तो मैं जाती थी, मेरे को सारा स्टाफ पेशेंट से बोलते थे तो लगता ही नहीं कि आप सो के आए हो, रात के 3:30 बजे हैं, जिस टाइम पे सबसे आपकी साउंड स्लीप होती है और आप उठ के आ रहे हो और लग ही नहीं रहा कि आप सो के आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो सोने का मतलब ही नहीं है ना पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी तुमने डॉक्टर बनना है और बनने के बाद जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी। कैसे बढ़ जाएगी, कि आप अपनी नींद के लिए किसी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और इस वजह से आप अच्छे से कभी भी जिंदगी में सो नहीं पाते। ठीक है, तो नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स जो है फेरिंक्स का अपर पार्ट है, एयर सिर्फ इसमें से पास डाउन होती है, पास डाउन होकर कहां पहुंचेगी, इनटू द ऑरोफेरिंक्स। ऑरोफेरिंक्स के अंदर आकर जो एयर है सारी, एक ब्लाइंड सी कैविटी है ऑरोफेरिंक्स, खाली सी जगह है, और ऑरोफेरिंक्स का काम क्या है, इसको आगे पास ऑन कर देना इनटू लैरिंक्स, एयर को सिर्फ आगे ट्रांसफर कर देना इनटू द लैरिंक्स। अब लैरिंक्स जिसको हमने क्या नाम दिया था, वॉइस बॉक्स। तो ये जो वॉइस बॉक्स है ये बेसिकली ये कैसा बना है, एक मिनट मैं इसको ड्रॉ करके आपको थोड़ा सा दिखा दूं। दिस इज लैरिंक्स। ये किस चीज का बना है, ये बना है कार्टिलेज का। कार्टिलेज क्या होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था आई थिंक डाइजेशन में, कोई बता सकता है व्हाट इज अ कार्टिलेज? कार्टिलेज क्या होता है बेटा, कहाँ होता है? नोज की टिप और ईयर, ये जो पिन्ना है आपका बाहर वाला एक्सटर्नल ईयर है,
ये चीज क्या है, इसको हाथ लगा के देखो। चलो अपने अपने यू बाजू उठाओ और यहां पर ऐसे जोर से दबाओ। कुछ हार्ड फील हो रहा है? हार्ड होता है फील? हाँ जी, कुछ हार्ड फील होता है? कोई तो जवाब दो। तो ये जो आपको हार्ड फील हो रहा है, व्हाट इज दिस? ये जो हार्ड फील हो रहा है, दिस इज योर बोन। और इस तरह से ऊपर ऊपर को अगर आप हाथ लगाकर यूं देखेंगे तो जो चीज सॉफ्ट फील हो रही है वो क्या है? मसल। तो बोन जैसा हार्ड भी नहीं और मसल जैसा सॉफ्ट भी नहीं, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? कार्टिलेज। ऐसा ही जैसे नोज की टेप और ईयर का पिन्ना है, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर से बना है हमारा लेरिंग्स। लेरिंग्स के अंदर क्या होते हैं? लेरिंग्स के अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड्स। कॉर्ड क्या होती है? एक मोटी तार। तो इसके अंदर ये इस तरह से वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये कॉर्ड्स क्या करते हैं, जैसे आपने गिटार देखा है ना, कि जो गिटार है उसमें यहाँ पर इस तरह से ये वायर्स होती है पतली पतली। जब इन वायर्स के ऊपर हम फिंगर से इसको हिलाते हैं, मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं तो साउंड्स निकलती है। बिल्कुल ऐसे ही गिटार की ही जो कॉर्ड्स हैं उनके जैसी ये कॉर्ड होती है हमारे पास वोकल कॉर्ड्स। जैसे इन पर एयर आकर जो है टकराती है तो इसमें से जो वाइब्रेशन की वजह से साउंड निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। या आप फिजिक्स में पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। तो ये रेजोनेंस जो है वो हमारे साउंड प्रोड्यूस करके देती है और फिर हम ब्रेन के थ्रू उसका कुछ ना कुछ मीनिंग हमने निकाल रखा है, जो हमने अलग अलग लैंग्वेजेस बना रखी है, दैट इज ड्यू टू दिस वोकल कॉर्ड। अब हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं वो क्या है? ये रेजोनेंस जो है जो वोकल कॉर्ड के अंदर हो रही है, इसकी टेंशन का डिफरेंस है। अलग अलग तरह की टेंशन क्रिएट हो रही है। जितने फोर्स से ज्यादा दबाएंगे तो अलग साउंड निकलेगी, हल्का सा दबाएंगे तो कम साउंड निकलेगी, दोनों एक साथ दबेंगी तो अलग तरह की साउंड निकलेगी एयर के थ्रू। इस तरह से ये लिरिक्स जो है वो काम करता है। ठीक है, इनफ फॉर टुडे। आज के लिए बहुत सारे नाम हो गए हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ठीक है, और इधर गिल्स से रिलेटेड भी। तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। कल हम आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ही, एंड दैट इज ग्लॉटिस। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम।